क्या तुम्हें कोई लड़की घास नहीं डालती? निराश ना हो बालक, तुम इंसान हो गधे नहीं। लेकिन मेरे पापा जी तो कहते एक नंबर का गधा इंसान है तू। अरे 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 जीते रहो बेटा जीते रहो। अरे बाबा जी कोई पैर छू नहीं रहा, 10 का सिक्का गिरा था वो ले रहा था मैं तो। ये छोड़ो बालक, ये बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? अरे बाबा जी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी जवानी में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम खुद को जवान मानते हो? अरे तुम्हारी जवानी भी वैसे ही निकल गई, जैसे गांव के ऊपर से हवाई जहाज निकल जाता है। बाबा जी बेइज्जती कर रहे हो आप मेरी। अरे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई लड़की मुझे घास तक नहीं डालती। बाबा जी क्या तुम्हें कोई लड़की घास नहीं डालती? निराश ना हो बालक, तुम इंसान हो गधे नहीं। लेकिन मेरे पापा जी तो कहते एक नंबर का गधा इंसान है तू। फिर भी तुझे कोई घास नहीं डालती, इसका मतलब उसकी घास कहीं बिजी है। क्या मतलब है बाबा जी आपका? अरे मेरे कहने का मतलब है बालक, उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है जो उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो तुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझती। साले की इतनी हिम्मत! मुझे तो बाबा जी आपको पता है कस्टमर केयर वाले भी फोन करते ना तो बोलती है सर आपका कॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बालक तुझे भी ऐसा बोलती कस्टमर केयर वाली, मुझे भी ऐसा बोलती, इसका मतलब हम दोनों कस्टमर केयर वाली के लिए इंपॉर्टेंट होता। बाबा जी वो सब छोड़ो बाबा जी, कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिससे मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। इस भरी जमाने में भी गर्लफ्रेंड ना होने का इतना अफसोस है ना बाबा जी कि मैं बर्गर भी खाता हूँ ना बर्गर भी वो सोच के साथ नहीं खाता, बड़े अफसोस के साथ खाना पड़ता है। मुबारक हो बेटा मुबारक हो, तुम जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं तुम्हारा देखता हूँ भाग्य। बाबा जी 14 फरवरी को जन्म हुआ। अरे 14 फरवरी को आए हो फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं साथ लाए हो? अच्छा ये सब छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बाबा जी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, और क्या बताऊँ स्कूल में सोचा भी नहीं था। तुम्हें स्कूल से निकाला क्यों? वो स्कूल के प्रिंसिपल एक दिन नदी में डूब रहे थे, मैंने देख लिया, चिल्लाने लगा कल छुट्टी है कल छुट्टी है, और मुझे दूसरे दिन प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और उससे बताना थी। बालक समस्या ये नहीं है, समस्या ये है प्रिंसिपल नदी तक क्या करने गया था। अरे बाबा जी मैंने बताया ना स्कूल में शौचालय भी नहीं था। अरे बालक तुम में ऐसा क्या टैलेंट है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे? पापा जी टैलेंट की कमी नहीं है हमारे में, टैलेंट बहुत है। कल रात को क्या हुआ पता है आपको? मेरे हाथ में मच्छर बैठा था, मैंने यूं उठाया उसको और यूं तो मरोड़ के सारा खून चूस गया मैं, सारा खून पी गया मैं। फिर क्या हुआ पापा जी? फिर क्या होना था, मच्छरों का मुठिया मतलब मेरा मतलब है मुठिया आया और जोर-जोर से डंडे देने लगा, मच्छर दो। वो सब छोड़ो बाबा जी, ऐसा कुछ करो ना जिससे मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और मेरे अपने दोस्तों के बीच में मैं सर उठाकर चल पाऊँ और उनको बोल पाऊँ कि बिना शक्ल और पैसों को भी गर्लफ्रेंड बन सकती है। ये बात तो सही है बेटा, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पुराने जमाने के कच्चे जैसी है, पर तुम एक्सप्रेशन देना सीख लो, सेल्फी ऐसी लो कि लड़की तुम्हें पसंद करे और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे फेसबुक पर। बाबा जी फेसबुक वालों को क्या बात करो, अगर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह गर्लफ्रेंड रिक्वेस्ट बना दी होती ना तो बाबा जी अभी सिंगल ना होता। और रही बात बाबा जी आपकी सेल्फी वाले मामले की, उस चीज में लड़कियों में और मेरे में एक बात कॉमन है, वो जब सेल्फी लेती है और मैं जब बीड़ी कूदता हूँ तो हम दोनों का फेस सेम दिखता है बाबा जी। बिल्कुल सही कहा बालक, इसमें कोई शक नहीं। तो बाबा जी कुछ करो ना जिससे मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। आपको पता है मेरे फोन में डेटा और कॉलिंग दोनों अनलिमिटेड होते हैं, बट सिर्फ डेटा का यूज हो पाता है, वो भी सिर्फ रात में, समझते हो? तो ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरे को गर्लफ्रेंड बन जाओ, सुबह तक मुझे कोई प्रपोजल आ जाए। सालो लड़की दिलाने का मेरे पास कोई तरीका होता तो आज मैं बाबा ना बनता, क्या बात, मैं भी अपना घर बसा लेता। क्या बात, चल भाग यहां से, चल यहां से, नहीं तो मैं ऐसा टोला कर देगा तेरे पे, नहीं तो तू देखता रह जाएगा।